इंटरव्यू जैसा कोई तैयारी करना पड़ता है? बहुत करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। आवाज को साधने के लिए जब हम कह रहे हैं ना, जब आप गाएंगे तो पता चलेगा आपको, आवाज को एक जैसा नहीं, एक सुर ऐसे लगाओगे ना तो बहुत मुश्किल होगा। फिर और तानपुरे के साथ संभाल का बेस का वॉइस बनाना पड़ता है, ऊपर का तार का वॉइस बनाना पड़ता है, वॉइस का। कई बार तैयारी थोड़ा सा, कई बार तैयारी मतलब हम जोड़ते हैं स्पीड से उसका, मतलब तान कितना तैयार है और गले का रेंज क्या है वो भी तैयारी है। तो रूपत में ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है। रूपत जो गाते हैं वो बहुत तेज़ गा सकते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से गाते हैं, तेज़ और स्लो में गमक भी होता है, तान भी होता है, और बहुत ऊपर तक गा सकते हैं, बहुत नीचे तक जा सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ख्याल से ज़्यादा ही तैयारी ध्रुपद में गुंजाइश है तैयार करने। और एक ये जो बात है, क्रिएटिव नहीं है, ध्रुपद में बहुत क्रिएटिविटी है, अनंत। आप विस्तार, इतना विस्तार कर सकते हैं। आप ये जो मैं कर रहा था आप इनके साथ लेकर के बल्कि एक घंटे तक इसी का जो मेरुखंड का जो नियम है वो तो ध्रुपद से शुरू हुआ है। तो हम लोग प्रैक्टिस में मेरुखंड का बहुत अभ्यास करते हैं। तो एक ही वाक्य को कितने तरीके से आप कह सकते हैं, इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो बहुत क्रिएटिव, जितना आप चाहे उसको क्रिएटिव, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। तो आप लोग नीचे गाइएगा, तुम्हारा तुम्हारा बा 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 तुम्हारा बा
गावता
गंधर्व गावत धुनि गंधर्व गावत धुनि गंधर्व गावत धुनि गंधर्व Thank you.
हमारा तो उत्तर का सुर है ना, आप लोग नीचे रहेंगे लेडीज, तो जेंट्स चाहे तो उत्तर का सकते हैं जेंट्स। Thank you.
उच्चारण कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमारा साहिब ऐसे नहीं छोड़ा, वॉवल को पूरा इस्तेमाल करना तो शब्द को पूरा पूरा गाना है और शब्द पूरा उसका वॉवल वेल ग्राउंडेड इन टाइम होना चाहिए। 1 2 3 4
Yeah.
Yeah.
Tuma sahiba, 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 tu
चारों पद बना सकते हैं। तुम अरब अरब तुम साहेब साहेब तुम अरब अरब तुम। अभी देखिए हिंदी का सबसे बड़ा एक जो संस्कृत से निकला है, वेद पाठ से निकला है, विशेषता है, किसी लैंग्वेज में नहीं कर सकते आप। दूसरा कोई भी दुनिया का लैंग्वेज होगा यू कैन नॉट ब्रेक द सेंटेंस, बट यहाँ क्या है, तुम रब रब तुम साहेब साहेब तुम रब रब तुम साहेब, कुछ भी करेंगे वही अर्थ है, साहेब साहेब तुम रब रब साहेब। तो ये ऋग्वेद की परंपरा है कि शब्द को उसका स्थान बदल देना। हेलो, हाँ जी बोलिए के बाद स्थाई में लेना नहीं है संतरी के, पर अभू कंटिन्यूसली गवा जाता है। आप संतरी के बाद स्थाई तो पर अभू में वापस गया तो ये चलेगा क्या? अभू के बाद ऐसा कुछ नहीं, ये सब देखिए आप ध्यान से सुनिए, सब शांत पहले सुनिए सुनिए। सहमति नहीं, कुछ लोग स्थाई अंतरा अभोग संचारी बोलते हैं, कुछ लोग स्थाई अंतरा संचारी अभोग कहते हैं। अब समझने की बात यह है कि ये चार टुक पहले तो अष्टपदी थी, जयदेव ने अष्टपदी लिखी है ना, तो अब चतुष्पदी तो अभी शुरू हुई 400-500 साल से 600 साल से। तो इस हमें इसकी जरूरत क्या है, स्थाई अंतरा अभोग संचारी या संचारी अभोग की जरूरत क्या है, क्यों गाते हैं? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर हम अभोग नहीं गाएंगे तो राग ही भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि राग होगा, पूरा राग हम स्थाई नहीं दिखा सकते। अभी हमारी जो परंपरा है गागर परंपरा, उसमें तो है कि आप एक सुर लगाए सारे निशा करें, इसी में पूरा राग दिख जाना चाहिए। तो ये तो क्या है, स्थान की प्राप्ति के लिए स्थाई अंतरा अभोग संचारी, या स्थाई मतलब षड़ से पंचम के बीच, फिर अंतरा मतलब ऊपर जाने के लिए तार सप्त की प्राप्ति के लिए अंतरा कहते हैं, और फिर अभोग मंद्र से भी लेते हैं ताकि मंद्र स्थानों, और संचारी मतलब पूरा उसमें तीनों सप्तक में उसका संचार करें। तो ये इसका उपयोग यही है कि जो तीनों स्थान है मंद्र मध्य और तार, तीनों में आप विचरण कर सकें, तीनों में आप गा सकें जा सकें, इसकी प्राप्ति के लिए ये पद्धति बनाई गई है, स्थाई अंतरा अभोग संचारी संचारी अभोग। और इसके अलावा कोई इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए इस पर अभी तक कुछ लोग अभोग गाते हैं अंत में, कुछ लोग संचारी अंत में गाते हैं। तो ये बात, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि स्थाई अंतरा गा करके अभोग संचारी एक साथ जोड़ देते हैं और फिर स्थाई पे आते हैं। तो ये सब अपना अपना विचार है, ये कोई एक ऐसा एकदम फिक्स राग का सिद्धांत जो होता है उस तरह नहीं है, ये एप्लीकेशन है। But at the time of Rindalika Aurangkas or Golba, the literature, अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपसे शुरू में कहा था, हम लय के साथ खेल रहे हैं, है ना। अब हम यहाँ हमारे लिए वो जो शब्द है वो ये ऋग्वेद की परंपरा में जो गा रहा हूँ, ये ऋग्वेद की परंपरा आप पता करिए, तुम रब रब तुम साहेब साहेब तुम रब रब, ऐसा ऋग्वेद में पाठन ऐसे ही होता है ऋग्वेद। तो ये इससे क्या होता है, बोल बाण बनने से लय का वैचित्र पैदा होता है। यहाँ पर शब्द पर फोकस नहीं है,
लय पर है और शब्द के बोल बांट पर ताल पर फोकस है। जब हम करें, जब हम गा रहे हैं तो कभी शब्द पर अलग अलग विचार प्रेजेंटेशन के लिए कभी हम ध्वनि पर ध्यान देते हैं, ध्वनि को फोकस करते हैं, शब्द लय पर ध्यान नहीं देते। ये अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन का अपना अपना विचार है। ये जरूरी नहीं कि कोई इसको फॉलो करे ही, किसी को अच्छा लगता है तो करे, किसी को अच्छा नहीं लगता तो ना करे, ये बात। और इसीलिए हमारे अलग अलग घराने बने, किसी घराने में कोई विशेषता है, किसी घराने में कोई विशेषता है। तो लेकिन ये जो मैंने बताया ये ऋग्वेद की परंपरा, प्राचीन परंपरा। बोल रहा हूँ कि इसमें जो शब्द है उसको बोलते हैं बोल और उसका बात, बोल यानी कि जैसे तबले की बोल और कागज की बोल, उसके बात मतलब उसका प्रकार। यहाँ पे शब्द ध्वनि है और उसके द्वारा उसका प्रकार लय का प्रकार। हाँ, जैसे कि आप दिन धागे में, दिन दिन धागे में, इसका मतलब यह है। और एट द टाइम ऑफ द रेंडरिंग द थिकनेस और एवरनेस ताल ताल और लय जो एक्चुअली लिविंग थिंग बाय और रिपोर्ट बिकॉज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द उपज वी डू आवर फ्रॉम एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग इज क्लियरली रेंडर शुरू में गाने इंप्रोवाइज कर रहे, फिर वो शब्द जो है वो शब्द की तरह ही नहीं रहा, फिर वो म्यूजिक हो गया। तुम मरा लगा तो तुम बसाए, अब हम यहाँ पर उसके साथ शब्द का जो छंद है उससे खेल रहे हैं। एक्चुअली रिदिम और द रिदिम्स आर द मेन पॉइंट, नॉट द पोएट्री बोल बात। ओके, अच्छा आपका कुछ जिज्ञासा था, मैं एक बोलूं।